ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, मेरे चैनल प्रभा में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करते हैं हमारे देश में जो चल रहा है, थोड़ा वर्तमान पर। बात क्या है? बात इतनी सी है, आज हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, बंद बुलाए जाते हैं, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी, बस बंदों का दौर चल रहा है। काम करने का दौर नहीं चल रहा, बंद बुलाने का दौर अवश्य चल रहा है। और ये बंद किसी के नाम पे भी हो जाते हैं, किसी जाति के नाम पर, किसी पंथ के नाम पर, किसी संप्रदाय के नाम पर, और बस बांटना है और बांटने में हमारे राजनेता लगे हुए हैं। मित्रों, इस बंद से, इस बंद के जो परिणाम होते हैं, इस बंद के स्थान पर हम और क्या कर सकते हैं, इस पर मुझे छोटी सी कविता प्राप्त हुई है। होता क्या है, हम कई बार कुछ चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हम उसको समझना चाहते हैं। यदि आप इसमें से कुछ बातें जान सकें तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। कभी दलितों के नाम पर भारत बंद, तो कभी सवर्णों के नाम पर भारत बंद। वोटों की राजनीति ने दिल को बांटा और किया सारे देश को नजरबंद। आनंद तो तब होगा जब दलित और सवर्ण सब कहते, आज सब मिलकर कहते हैं, आइए करते हैं दुष्ट दुश्मन देश पाकिस्तान को बंद। पर वोटों की राजनीति का यह फलसफा, यह उतनी फली फूली जितना देश बटा है। इसमें चमक तभी आती है जब भाई भाई से लड़ता है और भाई भाई को काटता है। ये खून की प्यासी होती है ये चमक। और वोटों के भिखारियों ने अब तो कुछ देश पर इस तरह कहर ढाया है कि ना जाने कहां कहां किस किस को बटवाया है। मत बांटो मेरे देश को, मत बांटो, कुछ तो दया करो, कुछ तो बख्श दो, क्योंकि देश नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि देश रहेगा तो हमारी बस्तियां होंगी, हम होंगे, और हम होंगे तो आप जैसे नेता होंगे। यदि समझते हो तो समझ जाओ, वरना एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह हमारा भारत बढ़ता जा रहा है, आर्यावर्त जिस तरह बढ़ता जा रहा है, आगे ना जाने हम कितने से रह जाएं। समझदार के लिए इशारा पर्याप्त होता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।